हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था। पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रिस्पेक्टिवली, इफ ट्वाइस ऑफ R1 + R2 इज इक्वल टू 6, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल ये है x³ + 2x² - 4x - 7, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। अब दोनों पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्टिव आपको पूछा हुआ है कि इसमें आपको x+1 से डिवाइड करना है और इस वाले पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है। जब भी आपको रिस्पेक्टिवली दिया हो तो आपने ऑर्डर याद रखना है, पहले पॉलिनोमियल का पहले से डिवाइड करना है, दूसरे पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब डिवाइड करना है, आपको पता है अभी तक आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर x+1 से डिवाइड करना है तो उसको जी एक्स मान लेते हैं, एंड x+1 से करेंगे तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि हमने पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करना है। तो इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह -1 पुट कर रही हूं यहां पे, तो x का क्यूब होगा -1 का क्यूब + 2 × x² इज -1 का स्क्वायर -4 × a, एक्स की जगह आपने डालना है -1 × -7, ठीक है। यहाँ पे -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज 1 × 2 = 2, -4a × -1, आपके पास +4a हो जाएगा, -7, तो 4a मैंने पहले लिख लिया, -1 + 2 = 1, 1 - 7 = 6, ठीक है। तो यहां पे मैंने R1 क्यों लिखा है, बिकॉज आपको बोला है R1 रिमाइंडर आएगा अगर आप पहले पॉलिनोमियल को पहले से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो आंसर अगर 0 आता है तो 0 इज योर रिमाइंडर। यहां पे आंसर 4a - 6 आ रहा है, तो ये जो 4a - 6 है ये आपका क्या है, रिमाइंडर, इसीलिए मैंने इसको R1 से डिनोट किया। ये नोटेशन आपको क्वेश्चन में बोली हुई है, ठीक है। अब आपने R2 की वैल्यू निकालनी है, जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है उसको आपने x-2 से डिवाइड करना है, तो x-2 को 0 के इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब ये जो 2 वैल्यू है ये आपने सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में डालनी है, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे f x की जगह आप डालेंगे 2, x की जगह 2 का क्यूब प्लस a इंटू x की जगह 2 का स्क्वायर -12 × x² + 6, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × a = 4a, -12 × 2 = -24 + 6, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 6 = 14, -24 + 14 आपके पास आ जाएगा -10, तो यहाँ पे 4a - 10, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये क्या है, आपका रिमाइंडर 2, यानी कि R2, ये जो नोटेशन है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। अब आपने R1 एंड R2 निकाल दिया, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है ट्वाइस ऑफ R1 + R2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस ऑफ R1 + R2 इज इक्वल टू 6, ट्वाइस R1 की जगह आपने क्या डालनी है, जो यहाँ पे वैल्यू निकाली है 4a - 6, वो यहाँ पे पुट कर दी, प्लस R2 की जगह जो उसकी वैल्यू निकाली है 4a - 10 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4a = 8a, 2 × -6 = 12, +4a - 10 इज इक्वल टू 6, 8a + 4a = 12a, -12 - 10 -22 इज इक्वल टू 6, तो 12a आ जाएगा 6 + 22, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 + 22 = 28/12, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 7s are 4 3s are, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/3। सो यही आपको निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आपके पास निकल आ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, एफ एक्स पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x-1 and x+1 द रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली 5 and 19। तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है अगर हम इसको x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, अगर इसी पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 आएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपने यहाँ पे लिख लिया, अगर x-1 से डिवाइड करेंगे तो x-1 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, 1, ठीक है। तो यहां पे जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, आई मीन जो पॉलिनोमियल है हमने उसको f से डिनोट किया है, तो हम x की जगह यहां पे क्या डालेंगे, 1, तो x की जगह यहां पे डालेंगे 1 raised to power 4, -2 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर - a × 1 + b,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 raised to power 4 इज 1, माइनस 2 into 1 का क्यूब इज माइनस 2, प्लस 3 into 1 का स्क्वायर इज प्लस 3, माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे सॉल्व किया माइनस ए प्लस बी, 3 plus 1 4, 4 minus 2 इज 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 क्यों लिखा है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बोला था कि 5 क्या है, रिमाइंडर है इस पॉलिनोमियल का। तो यहां पे अगर पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 आता है, यहां पे पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 है, तो आपने इज इक्वल टू यहां पे 5 लिखना है। ओके तो माइनस ए प्लस बी प्लस 2, ये जो प्लस 2 है जब ये उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 5 minus 2 इज 3, तो यहां पे माइनस ए प्लस बी। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। दूसरा आपको पॉलिनोमियल बोला है x प्लस 1, अब x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो आपके पास फंक्शन जो है पॉलिनोमियल तो यही दिया हुआ है f, तो f पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालना है, माइनस 1, तो माइनस 1 raised to power 4 यहीं पर डालेंगे, माइनस 2 into x की जगह माइनस 1 का क्यूब, प्लस 3 into minus 1 का स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस 1 प्लस बी। ठीक है, अब फिर से मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 19 लिख दिया, बिकॉज सेकंड वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 19 क्वेश्चन में गिवन है। माइनस 1 raised to power 4 वुड बी 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 2 वुड बी प्लस 2, 3 into minus 1 का स्क्वायर वुड बी 3, माइनस ए इंटू माइनस 1 वुड बी प्लस ए एंड प्लस बी। ठीक है, तो ए एंड बी आप पहले लिख लीजिए, 3 plus 2 plus 1 वुड बी 6, इधर 19 है, ये जो 6 है इधर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो इट वुड बी माइनस 6, देन आपके पास कितना आ जाएगा, 19 minus 6 is 13। यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज लाइक टर्म्स नहीं है, वी कांट ऐड, सो ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब जब आपके पास देखो ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, बट 9th में भी आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा कई जगह पे जहां पे ए एंड बी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है आपने ऊपर लिख लेनी है, सेकेंड इक्वेशन जो ये है उसके नीचे लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो आप यहां पे लिख लीजिए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। सेकेंड ए प्लस बी 13, तो इसी के नीचे ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, इधर 30। ठीक है, अब आपने देखना है कि ए एंड बी में से कोई चीज आपकी कैंसिल होनी चाहिए, मतलब किसी का नेगेटिव साइन हो तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर यहां पे ए नेगेटिव है, यहां पे ए पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। बी प्लस बी क्या बन रहा है, 2b, 3 plus 13 is 16, तो इधर बी कितना आ जाएगा, 16 से इधर जाके 2 डिवाइड होगा तो 8। अब बी की वैल्यू 8 आ गई है, तो आप 8 निकाल दिया बी की वैल्यू, इसको चाहे आप फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे आप सेकंड में पुट कीजिए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी और सेम ही आएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू 8 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी की जगह क्या डाल दिया, 8। ठीक है, तो 3, ये 8 जब इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो 3 minus 8 वुड बी माइनस 5, और इधर माइनस ए है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस मेथड का नाम आपने याद रखना है, इलिमिनेशन मेथड इसे बोलते हैं, हमेशा इसको ऐसे ही करना, ये तब यूज होगा जब आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोली हुई है, डिटरमिन द रिमाइंडर व्हेन एफएक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, वो आपको और चीज बतानी है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो आपने ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह क्या डाल दोगे, 2। तो यहाँ पे x की जगह 2 हो गया, तो आप x की जगह 2 डाल देंगे, 2 raised to power 4, माइनस 2 into 2 का क्यूब, प्लस 3 into 2 का स्क्वायर, माइनस 5 into 2 प्लस 8। 2 raised to power 4 इज 16, 2 का क्यूब इज 8, 8 to the 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 are 12, माइनस 5 into 2 is 10 प्लस 8। माइनस 16 plus 16 कैंसिल हो जाएगा, 12 minus 10 is 2, 2 plus 8 is 10, यानी कि 10 के आगे आपके पास रिमाइंडर अगर आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही, अगले क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।